तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल मनीष की तान्या। तो मेरी सुबह हो गई है, सुबह के बज रहे हैं 8, तो सोचे चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और अभी मैं रूम ठीक कर ली हूँ, मैं दिखाती हूँ। मुझे बेडशीट फ्लिपकार्ट से मंगाए थे, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए। मतलब विश्वास, एकदम कॉटन है, तो ये कॉटन चादर ही मुझे पसंद है। तो मुझे लगा कि इतना कम रेट में कॉटन देगा नहीं देगा, मिक्स देगा, बट ये 100% ये कॉटन है और देखने में बहुत प्यारा लग रहा है ना बेड। मुझे इसमें कलर भी एक शायद ग्रीन था, लेकिन ग्रीन कलर का ऑलरेडी मैं एक चादर मंगवा ली थी, और फिर देखती है ग्रीन और पसंद आया है तो वो भी मंगवाएंगे ही। तो कैसा लगा मेरा बेडशीट प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। और 5 पिल्लो भी मंगवाए थे फ्लिपकार्ट से, वो भी आ गया मेरा लेने को। ये मंगवाए थे क्योंकि बाबू अब इधर उधर करने लगता है, तो उधर से खिड़की साइड से मैं ये पिल्लो लगा देती हूँ तो उसको चोट नहीं लगता। बट कुछ मैं यहाँ पे लगाई थी इसके ऊपर, लेकिन वो क्या करता है उठा के इधर फेंक देता है, फेंक के उसके बाद ऐसे 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 वो कवर को करने लगता है, तो डर तो लगा ही रहता है। मैं जो सोच के मंगवाई वो उसको पूरा होने नहीं दिया, तो कोई ना, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता। ध्यान सामने में ही रहते हैं, थोड़ा सा तुरंत ऐसे करते रहता है वो। तो अभी हम चलते हैं नीचे रोटी बनाने के लिए, फिर रोटी बना के आएंगे, फिर बाबू को फ्रेश करेंगे। उसको खांसी, इतना सूखा खांसी हो गया, वो आवाज भी ठीक से नहीं निकाल पा रहा। मतलब इस टाइप से खांसी करता है ना, कितना उसको दर्द होता होगा बेचारे को। दवाई तो दे रहे हैं, देखते हैं 2 दिन में नहीं होगा ठीक तो फिर डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा। मैं उसको अंग्रेजी दवाई नहीं देती हूँ, होम्योपैथिक देती हूँ, तो फिर 1-2 दिन तो वेट करना ही पड़ेगा ना। तो अभी देखते हैं, 1-2 दिन में ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर दिखवा देंगे उसको। क्योंकि शरीर भी उसका बहुत ज़्यादा, एक तो सूखा था ही वो और सूख गया वो। तो देखते हैं, अभी तो चलते हैं नीचे रोटी बनाते हैं। ब्रश भी मैं कर ली, पहले तो रोटी बना के उसके बाद चाय पियेंगे, फिर मेकअप ऊपर लाएंगे, उसको देखेंगे। बारिश दादी तो कर ही देती है, नहा हुआ के कल नहाई नहीं थी, सिर्फ ऐसे ही बदन उसका पोंछती थी मैं। तो देखते हैं अभी, तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद। हे फैमिली, तो कैसे हैं आप लोग? अभी दोपहर के बज रहे हैं 3, और मिलकर इधर देखिए सो रहा है। बहुत मेहनत से सुलाए हैं इसको, अभी शॉर्ट वीडियो बना रहे थे थोड़ा देर पहले, तो सोचे चलो इसको सुला देते हैं। सुलाए और तुरंत ये जग गया, वीडियो तो बनाने दिया नहीं मुझे। 2-3 बनाए थे, 2-3 नहीं 6-7 लगता है बनाए थे। अभी भी हलचल इसका मचा ही है, तो सोचे चलो वीडियो बनाते फिर इसको सुलाए। अभी सो गया, लेकिन अब मन नहीं है वीडियो बनाने का, तो अभी चलते हैं नीचे। आज रात में ऐसा कुछ काम तो है नहीं, सोच रहे अंडा करी, तो अंडा करी पापा या मनीष जो भी हो, दोनों में से कोई ना कोई बनाएंगे। तो हम प्याज काट के उसको बॉयल करके, लहसुन अदरक मिर्च ये सब काट के आ जाते हैं ऊपर, तो फ्री हो जाएंगे हम। बाकी रात में चावल बनेगा, तो 6-7 बजे के लगभग चावल बस चढ़ाना है, और कुछ भी नहीं करना आज, बिल्कुल फ्री रहना है। और मीका का तबीयत अभी बिल्कुल ठीक नहीं है, 2-3 दिन से इसको सूखा खांसी हो रहा है, तो ठीक तो भी नहीं है, लेकिन दवाई दे रहे हैं 2 दिन में। आज कुछ सुधार लग रहा है इसका, थोड़ा बहुत, मीन्स कि 100 में 10% सुधार हुआ है इसका, 90% अब भी है। तो देखते हैं, 2 दिन में ठीक हो जाना चाहिए। दवाई तो कंटिन्यू उसको दे ही रही हूँ, कल रात में इसको फीवर भी था, तो फीवर का भी दवाई दिए थे, तो फीवर तो अभी नहीं है फिलहाल, बट खांसी बहुत तेज इसको हो रहा है, कुछ खा भी नहीं रहा है ना खांसी से, मतलब इसको पता नहीं कलेजा में दर्द हो रहा है या क्या हो रहा है, ये कुछ खा भी नहीं रहा। खाना भी क्या खा, बस दूध से अलग थोड़ा बहुत दे देते, वो भी नहीं ले रहा है। बोतल में दूध लाते हैं इतना, 50 ml लाते हैं, उसमें भी आधा छोड़ देगा, नहीं पिएगा, मुंह से निकाल फेंकेगा, तो इसीलिए ज़्यादा ये सूख गया है बिल्कुल, मतलब पता नहीं एकदम लगता आधा हो गया ये। तो देखते हैं अभी, 2 दिन में ठीक हो जाना चाहिए। बरसात का मौसम भी चल रहा है ना, अभी भी पूरा लग रहा है कि बारिश आएगा, पर पता नहीं आएगा या नहीं, लेकिन मौसम लग रहा है। हवा बहुत तेज ऊपर में है, लेकिन यहाँ पे बाहर निकल नहीं सकते तो घर में बैठ के ऐसे टाइम पास, लेकिन शाम में निकलेंगे, छत पे जाएंगे, मौसम क्योंकि बहुत अच्छा है। मनीष भी तो नहीं है, अंकल आए थे
मौसम आई मीन कि मौसम के ससुर जी जो हैं वो आए हुए थे तो वो निकल गए। फिलहाल वो निकले तो चाय वाय पी लिए, वो निकल गए और उसके बाद मनीष भी शायद मुकामा तक थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कौन से रास्ते से जाना है तो वो छोड़ने के लिए गया और उसका भी कुछ काम था, दो काम था, एक तो अंकल को छोड़ना था और उसके बाद उसका भी कुछ काम था तो वो भी गया, बोला आते हैं एक दो घंटा लगेगा आने में तो देखते हैं, कुछ मंगवा लेते हैं नाश्ते के लिए क्योंकि भूख जैसा लग रहा है और इतना बकबक करेंगे तो भूख तो लगेगा ही है ना। तो अभी कुछ ऐसा हो नहीं रहा है, सुबह जगो बाबू, मतलब बाबू के साथ टाइम ऐसा पास हो रहा है मेरा, मतलब दिन पता ही नहीं चलता, थोड़ा सा सोने का कोशिश करते हैं, जब ये सोएगा सुलाते सुलाते मैं भी सो जाए 5-10 मिनट नींद खोल के आँख ऐसे करके, और बेड से भी गिर जाता तो डर लगता, पकड़ के इसको सोते हैं और कभी नींद में इधर उधर हो जाएगा, सो भी ढंग से नहीं पाते हैं। तो अभी सोया है तो अगर नींद कहाँ आ रहा है, नींद अगर अब भी आता तो अभी मैं भी सो जाती हूँ, तो सोचे चलो ब्लॉग ही स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखते हैं अंडा करी बनेगा तो क्या, एक ही अंडा करी का ब्लॉग डालेंगे, बस बन रहा है बता है। देखते हैं नीचे जाते हैं, कुछ काम वाम होगा तो फिर मैं, ये ब्लॉग बहुत बड़ा हो रहा है तो ब्लॉग को मैं यहीं पे अभी इन कर देती हूँ और देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे कि दिल्ली से हम क्या क्या शॉपिंग किए थे। आप लोग को सिर्फ मार्केट गए आए ये सब दिखाए, लेकिन क्या लिए नहीं लिए आप लोग को नहीं दिखाए, तो दिखाएंगे। और कल हम गए थे दी के पास भी, तो उसका ब्लॉग अभी नहीं डाले हैं, इसी में मैं ऐड करके उसको भी डाल दूंगी। तो कल भी हम मार्केट गए थे बाबू का कपड़ा लेने, क्योंकि दिल्ली में सोजनी वगैरह में ऐसा कपड़ा जिसका हम लोग का मिल जाता, बाबू का उतना ये नहीं मिला साइज का ये वो, तो एक तो लिए थे बट यहाँ से जो रेगुलर घर में पहनता है, बहुत दिन हो गया टी शर्ट खराब नहीं हुआ बट एक हो जाता ना कुछ चेंज कर देना, तो वही लेके आए हैं तो वो भी दिखाएंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ब्लॉग को यहीं करते हैं इन, तो मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, तो बाय और बस कल मिलते हैं आपसे। ए महाराजा, ए लड़का आजा आजा, इसको नीचे बैठाइए ना नीचे, जिम निकलो, ए जिम निकलो। अद्दू जी क्या हो रहा है, कचरुआ फोन लेने ही भागता है, देखिए ये बॉल मेरा है, खराज खराज गुड बॉय मिका, मेरा बॉल मेरा बॉल, मासी तो खड़ा होना सीख गया, अच्छा तू टट्टू वो कैसे देख रही है, देखे नहीं इसको, खड़ा जा मिका, खड़ा जा, हाथ पकड़ो, हाँ खड़े जाओ खरा जा हाँ आजा खरा, पापा छोड़ दो अपने बैठेगा ये गोर करो, अद्दू जी हाँ अदू जी खड़ी हो जाओ, वैसे मेरा स्कूल में एक बच्चा है ना ऐसे बैठ के करता पपीता सिद्धो, अदू जी वैसे इसको पपीता सिद्धो
चोट लगा। इसको देखें कैसे देख रही है। ए लड़की, ए पायल, पायल बच्चा कैसे करता है, ऐसे बैठा रहता है, करता है। खा लो बॉल, खा लो। गुड बॉल। लास्ट टीचर के नजर से बच गया, लास्ट मैच में बैठा। मिका देख कैसे रहा, देखे ना इसी को, दोनों इसी को देख। सुबह से नाटक करती दोनों देख रहा। इधर आओ बेड पे, इस सोफे पे चढ़ जाइए एकदम। दांत कितना आ गया, दांत फ्राई से करो, देखिए नामी को कितना आया। दांत टूट ले रहा है। एक महीना पहले सब दांत टूटा था।